हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आज हम इसको चुन्नी से बनाएंगे। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें साड़ी या चुन्नी से इस डिज़ाइन को बनाना सिखाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको चुन्नी से बनाएंगे और टू कलर में बनाएंगे। तो डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए, और ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 18 फंदे फ्रेंड्स इसमें मैंने डाल लिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक बेसिक रो बनाएंगे। ये देखिए उल्टा उल्टा बनाएंगे हम इसको, और इस रो को कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बना के। फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप आराम से उतारिए इस रो को, फिर ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए, तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला फंदा हम उतार लेंगे। मैं यहाँ से इसमें फंदा बढ़ाऊँगी अंदर से। ये देखिए एक बार बना दिया, पट्टी को पीछे करेंगे, एक बार और बना देंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे एक फंदे के दो बना लिए, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, इसको भी आप इसके अंदर ही ऐसे ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। ये देखिए दो पीछे छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इस रो को ऐसे ही उतार लेंगे, फर्स्ट वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और इस रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा दूं, जब आपकी इतनी छोटी आपकी पट्टी रह जाए तभी हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर ऐसे हम इसको हाथ से रोल कर देंगे। ये देखिए किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। किनारे वाले को आप हमेशा सीधा बनाइए। ये देखिए जॉइंट हमारा लग गया है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, यहाँ से हम फिर से इसमें फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए एक बार बना दिया, पट्टी को पीछे करेंगे और एक बार और बना देंगे। ये देखिए एक फंदे के हमने दो फंदे बना लिए, दूसरा फंदा फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना बढ़ा लिया है। तो मैं यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाऊंगी, 4 फंदे मैं और बढ़ाऊंगी, 3 फंदे बढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। जब लास्ट वाला फंदा बढ़ाऊंगी तो मैं एक बार आपको और दिखाऊंगी, और इस साइड में दो दो करके फंदे ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे 5 फंदे बढ़ गए हैं फ्रेंड्स, और मैंने पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदे मेरे छूट गए हैं। अब देखिए लास्ट वाला फंदा अब हम बढ़ाएंगे, 1 बार बनाया और ये दूसरी बार बना दिया। ये देखिए एक फंदे के दो बना लिए, 6 फंदा भी हमारा बढ़ गया।
ये देखिए ये दो फंदे और हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं, पीछे हमने फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे, तो ये कैसे बनाएंगे, यहीं से हम इसमें दूसरा कलर चेंज करेंगे। आप कोई भी कलर अपनी पसंद से कोई भी कलर आप इसमें लगाइए, तो आप बैक साइड से यहीं से आपने कलर लगाना है। छह फंदे हमारे ये बच गए थे, जो हमने 18 फंदे डाले थे और छह फंदे फ्रेंड्स हमारे आगे बढ़े हुए फंदे हैं। तो देखिए इस बार हम इसको ऐसे उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कलर चेंज किया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए। अब तक हम फ्रेंड्स दो दो फंदे छोड़ते आए थे, लेकिन अब हम एक एक फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स छह फंदे छोड़ूंगी, एक मैंने छोड़ दिया है, एक एक करके मैं पांच फंदे और छोड़ूंगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए एक एक करके मैंने 1 2 3 4 5 और 6 फंदे छोड़ दिए फ्रेंड्स, और ये छह फंदे हमारे बड़े हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अभी हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, पहले जैसे हमने ये छोड़े हैं, ये देखिए 3 4 5 6, और जैसे ये छोटे हैं ऐसे ही हम इसको ऐड करेंगे। एक फंदा हमने इसमें एक एक ही ऐड करेंगे, एक फंदा ऐड कर लिया, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको, फिर मैं ये सारे ही फंदे इसमें ऐड करके फिर दिखाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट वाले को उतारने से फ्रेंड्स हमारे किनारे की ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए 3 4 5 6 हमारे बड़े हुए थे, एक हमने पिछली बार इसमें ऐड कर लिया था, अब हम ये ऐड करेंगे। तो इससे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गैप है, तो गैप ख़त्म करेंगे, एक फंदा उठाया और इसके साथ दो का एक कर देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक एक करके मैं ये चार फंदे और इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ, ये लास्ट वाला करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी, ये तीन और ऐड कर लेती हूँ। बीच में से फंदा आपको उठाना पड़ेगा गैप भरने के लिए, नहीं तो इसमें गैप नज़र आएगा। तो मैं इसको कर लेती हूँ, ये देखिए फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया, एक फंदा मेरा लास्ट में बचा हुआ है। आपको जितना भी ये बड़ा छोटा बनाना है आप उतने ही इसमें फंदे रख लीजिए, आपके बड़े हुए फंदे होंगे और पीछे से आप और इसमें ऐड कर लीजिए। जितना बड़ा आपको बड़ा बनाना है, बड़ा आप अपनी चॉइस से इसको बना लीजिए। ये देखिए तो लास्ट वाला फंदा भी ऐड करेंगे, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स हम इसमें पहले गैप ख़त्म करेंगे। गैप के लिए कहीं से भी आप एक बीच में से फंदा उठा लीजिए, इजीली उठ जाएगा। ये देखिए और अब हम इसको उसी कलर से बनाएंगे, रेड कलर से। ये देखिए कलर हमारा इधर है, तो अब हम इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, यहीं से हम इसमें अपना कलर ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें अपने फंदे घटाएंगे जैसे हमने बढ़ाए थे। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये दो का एक कर दिया,
फिर से देखिए फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए हम इसमें जॉइंट कैसे लगाएंगे। अगर आप साड़ी से बनाओगे तो साड़ी की फ्रेंड्स लंबी लंबी पट्टियाँ होती हैं। ये मेरे पास चुन्नी थी तो चुन्नी की बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये देखिए। लेकिन हमारा जॉइंट बहुत ही आसानी से इसमें लग जाता है, इसमें हमें कोई भी नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए बहुत सफाई के साथ बनकर ये कंप्लीट होगा आपका। ये देखिए, और अब फिर से आपको ये इसमें गैप आएगा फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप फंदा उठाइए और इसके साथ दो का एक कर दीजिए। ये देखिए दो दो ही फंदे फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे जैसे हमने छोड़े थे। अब हम इसमें ऊपर से घटाएंगे और नीचे से दो दो फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, एक फंदा हमने फ्रेंड्स घटा लिया था। ये देखिए फिर से हम दो का एक कर देंगे। एक फंदा हमने और घटा लिया और पीछे से हम ऐसे ही फंदे इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे ही फंदे, बाकी के चार फंदे और बचे हुए हैं उनको भी मैं घटा लेती हूँ। ये एक बार आप और देख लीजिए। फिर से देखिए, गैप आपको हर बार ख़त्म करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पे गैप बन जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी आपके डोरमेट में। ये देखिए और दो हमने इसमें ऐड कर लिए, यहीं से वापस मुड़ गए। ये आप देख सकते हो कहीं पे भी इसमें आपको गैप नज़र नहीं आएगा। ये देखिए ये जो ये फंदा उठाते हैं फ्रेंड्स अब गैप भरने के लिए, इसकी भी एक चेन सी बनती जाएगी। देखिए बहुत ही सफाई के साथ ये बनेगा। तो मैं यहाँ पे चार फंदे और घटा लूँगी और ये देखिए पीछे एक दो तीन चार ही मेरे ये जोड़े बचे हुए हैं। तो मैं सारे इसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए ये हमारे फ्लावर की शेप आई है। अभी मेरा यहाँ पर एक फंदा बचा हुआ है और लास्ट में भी एक फंदा ये बचा हुआ है। तो देखिए बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, लास्ट वाला इसी तरह से हमने सारे फंदे घटाए हैं। ये देखिए एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फिर से हम गैप ख़त्म करेंगे, दो का एक करना मत भूलिए, नहीं तो हमारे फंदे फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे। ये लास्ट वाला है, इसको भी हम बना लेंगे। ये देखिए कितनी सफाई के साथ ये फ्रेंड्स बना है। और ये देखिए बैक साइड से भी हमारा बहुत ही सफाई के साथ ये बनके कंप्लीट होगा, कोई भी आपको इसमें नोट नज़र नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब ये जो डिजाइन है, अगर आपको बीच में ये डालना है तो आप इसको डालिए, नहीं डालना तो आप इसको मत डालिए। तो ये डालोगे तो कैसे डालोगे ये देख लीजिए एक बार। लास्ट वाले फंदे को आप कम ही बनाइएगा, नहीं तो यहाँ पे बड़ा होल बन जाएगा। दो फंदे मैंने इस कलर के बनाए थे, इस थ्रेड को हम या तो आप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए। ये देखिए दो इस कलर के कलर हम लगाएंगे, तब भी बैक साइड से इसी साइड से लगाएंगे इसमें। ये देखिए दो दो फंदे हम ऐसे बना लेंगे। जितने भी आपके पास फंदे हों, या दो दो फंदे बनाइए या आप एक एक फंदे का डिजाइन भी बना सकते हो, एक फंदा उस कलर से एक फंदा उस कलर से। ये देखिए किनारे वाले को आप सीधा ही इसको बनाइएगा। ये देखिए
ये सीधी साइड है हमारी। सीधी साइड से फ्रेंड्स जो जैसा है आपको वैसा ही बनाना है। एक बार देख लीजिए, इसको पीछे कर दूंगी मैं, पीछे से दूसरा आगे लेके आऊंगी। ये देखिए, ये दो मैं पिंक से बना दूंगी, फिर मैं इसको पीछे करूंगी और आगे से रेड पट्टी को आगे ले आऊंगी। ये पूरी रो मैं ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसको कर लेती हूँ, देखिए लास्ट में, लास्ट तक हमने बना लिए हैं। अब इस रो में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो रेड थे अब हम कलर चेंज करेंगे इनका। जो रेड थे वो मैं पिंक बना दूंगी, जो पिंक थे वो मैं रेड बना दूंगी। बनाना हमने वैसे ही है, दो एक कलर के, दो एक कलर के, लेकिन इस रो में मैं ये कलर चेंज कर दूंगी। ये देखिए, ये चॉइस आपकी, अगर आप इस डिज़ाइन को बनाइए तो बना लेना, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और कोई डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहो चोटी वगैरह का, तो वो भी आप इसमें बना सकते हो। ये देखिए सारे फंदों के कलर हमारे चेंज हो गए हैं। सीधी साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही इसको बना लूँगी। ये पिंक है तो पिंक बनाऊँगी ऐसे ही फंदा, एक बार देख लीजिए। अब इसको पीछे करेंगे, पीछे से दूसरी पट्टी को मैं आगे लेके आऊंगी। अब ये इसे रेड से बना दूंगी, फिर पिंक है तो इसको आगे लेके आऊंगी। ये ऐसे ही मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट तक हमने ये बना लिया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए, अब हम दूसरी कली की स्टार्टिंग करेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, जब ये सारा, अब देखिए ये हम इस रो में सारे ही फंदे एक कलर के बना लूँगी मैं। ये देखिए, तो इसको मैं बना लेती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स हमारा। अब फिर से हम इसमें दूसरी कली की स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया, छह फंदे जैसे हमने नीचे किया था ऐसे ही हम इसमें फिर से अपने फंदे बढ़ाएंगे। एक बार देख लीजिए, दूसरी कली की मैं आपको स्टार्टिंग करके दूँगी और लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, चुन्नी से जिसको भी बनाना हो बना लेना देख के। ये देखिए दो फंदे पीछे छोड़ देंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, पांच फंदे हम यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। जैसे नीचे किया था ऐसे ही बनाना है। और ये वाला जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं बनाया, तो आप जब कली का एंड करोगे, जब लास्ट कली आप बनाओगे, छह कली में बन के कम्प्लीट होगा, लास्ट कली में फिर आप ये बना लेना, तो वो डिज़ाइन आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।